आप भजन गाते रहे हैं, हमारे देश में जो लोग भजन गाते हैं, आप हैं, अनुराधा पौडवाल जी हैं, और भी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जी, कई हैं, तो उनको क्या है ना कि एक श्रद्धा का दर्जा मिलता है, उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब बिग बॉस में कॉन्ट्रोवर्सी आपके साथ जुड़ी, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरीके की बातें नहीं हुई, इस तरीके की ट्रोलिंग नहीं हुई, जब ये सब हुआ तो आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई, मतलब जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ ने आपको बोला, कोई बात किसी ने लिख दी हो, कितने फैंस है, डेडिकेटेड लोग हैं आपसे जुड़े, किसी ने आपको कुछ बोला? देखिए, वो 6 हफ्ते जो हुआ, तो मैं तो अंदर था, मुझे पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं पता था, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम जब बाहर आए तो लोगों ने मुझे बताया ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा कमाल है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ कि मेरे लिए टीवी में टॉक शो हो रहे हैं, ये तो मुझे कभी हमने सोचा भी नहीं था कि भजन हम इतने साल से गा रहे हैं उस पर टॉक शो नहीं हुए, जरा सा तड़का लगा दिया उस पर टॉक शो हो गए, बताइए। तो ये है ज़माना। मैंने कहा कोई बात नहीं, बता देते हैं सच्चाई, आके बाहर आके सच्चाई बता दी, सब बेकार की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इमेज बनाते हैं वो ये बनाते हैं, ये भजन सिंगर है, इसके हाथ में एक कमंडल होना चाहिए और ये धीरे धीरे हिमालय की तरफ जा रहा हो और इसके कपड़े पे बदन में हल्की सी धोती हो। लेकिन अगर कहीं भजन सिंगर एक मर्सिडीज में घूम रहा है, उसके पास एक बहुत खूबसूरत घर है, तो कहते नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो सिर्फ प्लेबैक सिंगर के पास ही होना चाहिए। जो लोग फिल्म में गाते हैं उनके लिए ये सब ठीक है, लेकिन जो भजन गाते हैं उसके लिए ठीक नहीं। अरे भाई, हमने भजन गा रहे तो हमको उसकी सजा दोगे क्या? सजा ना दो यार, हमको भी मजे करने दो जिंदगी। अच्छा, अब मजे में एक पोस्टर भी लॉन्च हुए हैं, कई पोस्टर लॉन्च हुए हैं, वो मेरी स्टूडेंट है के, हाँ, वो एक फिल्म जी, और जसलीन को जसलीन ही आप के पिताजी बना रहे हैं। जी जी, उसके पिताजी एक फिल्म बना रहे हैं, पहले भी उन्होंने मुझे कहा था मैं कुछ फिल्म प्लान करूंगा, तो अभी वो फिल्म जो बना रहे हैं उसका नाम है वो मेरी स्टूडेंट है, उसमें एग्जैक्ट वो स्टोरी है जो हमारी स्टोरी है। तो इसको जो लोग देखेंगे उनको, जिनके घर में थोड़ा मन में थोड़ा भी शुभ है, वो सब निकल जाएगा। अच्छा,